वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हालचाल हमेशा की तरह मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी टाइम बता दूं आपको, 3:51 हो चुके हैं और मैं जा रही हूँ अभी शॉप तक। मेरे ना पार्सल आए हैं 2 फ्लिपकार्ट से, मैंने कुछ मंगवाया था। हफ्ते से ज़्यादा हो गया, यहाँ पर बहुत लेट पहुँचते हैं, तो बस वही फ़ोन आया था कि शॉप तक आ जाओ, तो बस वहाँ जा रही हूँ। यहाँ पर ना होम डिलीवरी किसी ने पूछा था पहले, घर तक नहीं छोड़ते तो नहीं, घर जैसे गांव में होते हैं ना तो घर घर नहीं आते हैं, तो वहीं बुला लेते हैं सबको एक जगह पर खड़े रह के। और मौसम जो है वो आज खूब तेज़ वाली धूप लगी है, गर्मी का एहसास हो रहा है, पर वैसी गर्मी नहीं है, इतनी गर्मी है कि एक कोटी में पहननी पड़ती है, सुबह शाम ठंड लगती है। तो चलिए चलते हैं। लंच वंच जो है वो हो चुका है, मेरे मामा जी आए थे, बुआ के जो हस्बैंड होते हैं वो आए, लंच वंच करके गए, बर्तन वगैरह भी कुछ नहीं किए, बस लंच किया। वैसे ही जब हस्बैंड शॉप पहुँचे उतने को फिर मुझे फ़ोन आ गया। तो चलिए पहले मैं पार्सल ले लेती हूँ, उसके बाद वापसी में आपसे मिलती हूँ। मैं आ गई हूँ वापस ये अपने पार्सल लेकर, और मुझे ना काफ़ी टाइम लग गया। यहाँ पर रोड में एक एक्सीडेंट हुआ था, तो एक मिनट पहले मैं लग गया एक ना बैठ जाती हूँ, पहले हवा चल रही है बहुत तेज़, तो रास्ते में ना एक एक्सीडेंट हुआ हुआ था। एक वैगनार गाड़ी थी और ट्रक टेम्पो जो होता है ट्रक उसके साथ, और मतलब बहुत ही बुरी, जब मैं जा रही थी तो बहुत ही बुरी तरीके का, उससे पहले हो चुका था वो, बट अच्छी बात ये थी कि चोट किसी को नहीं आई। उसमें हस्बैंड वाइफ थे शायद, एक जेंट्स थे एक लेडी, हस्बैंड वाइफ ही थे शायद, तो दोनों ठीक थे। फिर बेचारे वो लेडी जो है वो काम पर रही थी, होता ही है ना, देखिए एक्सीडेंट कैसा होता है तो नाम से ही डर लग जाता है। तो बस उसके बाद वहाँ से वहाँ रुकी, थोड़ा उनको पूछा और उसके बाद फिर गई, फिर आ गई। तो मैं दिखाती हूँ आपको क्या आया है। तो ये देखिए, एक मैंने मंगवाया है ये पर्स स्लिंग बैग। मेरे पास एक था बड़े बैग के साथ था अंदर, पर वो पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने, मुझे मिल नहीं रहा है। वो छोटा किट ना मैं यूज़ करती थी, जैसे हम कहीं जाते थे तो उसमें मैं स्किन केयर वाला जैसे फेस वॉश क्रीम वगैरह डाल देती थी, वो पता नहीं कहाँ रख दिया। ये मंगवाया है मैंने, लेदरलैंड ब्रांड का है। और ये देखिए, ये ना इसमें धागा सा निकला हुआ है, ये मुझे कट करना पड़ेगा ये। और एक मंगवाई है मैंने कुर्ती, ये मैंने जब मैं शिमला में थी ना तभी मैंने मंगवा दी थी। तो ये देखिए, कब से मेरी कार्ट में ये थी और मैं सोच रही थी कब से कि इसे मंगवाऊं, पर इस बार मैंने मंगवा ही ली। ये देखिए बहुत सुंदर है, और ये भी मतलब फ्रंट में बटन की बटन है, नहीं बटन नहीं है सॉरी, इसमें नहीं, हाँ हाँ बटन है, नीचे तक इसमें बटन है। तो मैं आपको इसको पूरी दिखाती हूँ ना, तो देखिए कुछ इस तरीके की है, बहुत ही अच्छी है। और ये इसमें भी फ्रंट में स्लिट है, बाकी ये राउंड है, घेर वाली नहीं है, बट यहाँ पर चूनट बनी हुई है। इसका ना मुझे स्पेशली कलर बहुत अच्छा लगा, और ये पिछले 6 महीनों से मेरे कार्ट में पड़ी हुई थी, तो अभी इसमें ऑफर चल रहा था तो मैंने सोचा चलिए मंगवा लेती हूँ। बहुत अच्छा कपड़ा है, रेयॉन मिक्स है, प्योर रेयॉन भी नहीं मैं कहूँगी, बट बहुत अच्छा है। हाँ ये देखिए इस तरीके की, और साइज़ जो है वो मीडियम है, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी लगेगी। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है, कलर इसका बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा कलर है, और यही कलर है जो आपको दिख रहा है ना। तो चलिए अब मैं बर्तन वगैरह कर लेती हूँ, पूरी सिंक फुल भरी है, और बाकी थोड़े बहुत कपड़े फोल्ड करने को है वो सब कर लेती हूँ, क्योंकि अभी आने वाले हैं मम्मी। भाई चला गया है मम्मी को लेने, अपनी ड्यूटी से आया और मम्मी को लेने गया है, मम्मी को लेकर वो निकलेगा शिमला। वैसे तो आज ही निकलना था, अब देखिए कब निकलते हैं, सुबह अगर निकलेंगे तो ठीक है, पर नहीं अभी निकल जाएंगे वो सुबह, फिर भाई को वापस आना रहता है, परसों ड्यूटी है ना। तो चलिए फटाफट मैं बर्तन वगैरह साफ कर देती हूँ उनके आने से पहले। हेलो भाई, ये क्या है यार, तुम तो बस करो। हाँ,
तो ये लोग पहुंच गए हैं और टाइम हो चुका है 7:45 का, 7:45 बजे आए और अब बोल रहे हैं कि जाएंगे। अभी मम्मी पापा को फोन कर रहे हैं। मम्मी ना मतलब अभी जाने वाले थे पर क्या हुआ, मम्मी जैसा मैंने बताया मायके गए थे अपने, तो मामी को लेकर गए थे हॉस्पिटल। मामी की तबीयत ठीक नहीं थी और उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी, तो फिर भाई मम्मी को लेने वहीं गया हॉस्पिटल और मामी को छोड़कर फिर यहाँ आया। और अब 7:45 हो गए हैं तो मैंने अब मना कर दिया इनको कि मत जाओ अब, क्योंकि अब खाना खाओगे फिर कब जाओगे, और थक भी गया ये, पहले ऑफिस में थक जाता है, फिर मम्मी भी थक गया आज हॉस्पिटल में खड़े खड़े। तो बस यहाँ पर मैं चपातियाँ लगानी स्टार्ट कर रही हूँ, फटाफट से मैं चपातियाँ बनाती हूँ और इन लोगों को खाना देती हूँ, क्योंकि भाई को भूख लग रही है जिसने लंच भी नहीं किया। तो ये काम करती हूँ पहले, उसके बाद बैठेंगे आराम से मम्मी के साथ। जो है वो सारी बन चुकी है और फ़ोन आ गया था हस्बैंड का कि तुमने क्या बनाया है, तो मैंने कहा मैंने कुछ स्पेशल नहीं बनाया, जो रखा था वही बनाया है, क्योंकि दोपहर में मम्मी ने फ़ोन कर दिया था कि वो लंच पे आएंगे, उसके बाद वो शिमला चले जाएंगे, पर जैसा मैंने आपको बताया मामी बीमार हो गए थे उस वजह से ये लोग लेट हो गए, तो अभी यहीं ठहर रहे हैं। तो हस्बैंड ने फ़ोन करके बोला कि तुम लोग तड़का तैयार करके रखो, मैं पनीर लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर पनीर ले आए हैं और मम्मी और मैं बहुत सारी बातचीत कर रहे हैं। देखिए ऐसा होता ही है ना, वैसे तो हमेशा फ़ोन पर बात हो जाती है पर वही काम की बात होती है, आजकल टाइम ही नहीं रहता। मम्मी के अपने काम होते हैं, मेरे अपने काम होते हैं, बच्चे हैं, यूट्यूब है, घर है, बहुत सारे काम रहते हैं। तो बस मम्मी और मैं यहाँ मामी जी की बात कर रहे थे। जैसा मैंने आपको बताया मामी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मम्मी बोल रहे थे मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी हॉस्पिटल में और उसको छोड़कर भी मैं नहीं आ पाई सकी, तो घर तक उनको फिर जाना पड़ा, मम्मी को अपने मायके तक, वहाँ मामी को छोड़कर आए। तो बस ये सब यहाँ पर बातचीत हो रही है और साथ के साथ पनीर का जो तड़का है भुर्जी मैं बना रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, इन लोगों को भूख लगी थी। तो बस यहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं, साथ के साथ बन रहा है पनीर। तो पनीर जो है वो सिंपल तरीके से बन रहा है। देखिए कढ़ाई ली है और प्लीज़ कढ़ाई को अवॉइड कीजिएगा, ये छोटी कढ़ाई है तो इसमें मैं बना रही हूँ और इसका एक हैंडल नहीं है। तो देखिए तेल डाला है, तेल में मैंने जीरा और सूखी मिर्च ऐड की है, हरी मिर्च हो तो आप ज़रूर से ऐड करें। उसके बाद ये 3 छोटे मीडियम साइज़ के प्याज थे वो मैंने कट कर दिए हैं इस तरीके से लंबे लंबे, और हल्का सा सॉटे करेंगे हम और उसके बाद हम टमाटर ऐड कर देंगे। ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे और बस इसमें वही रेगुलर सूखे मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, देगी मिर्च, और बस यही सब हम इसमें ऐड कर देंगे। और अगर आपके पास पनीर मसाला हो तो आप ऐड कर सकते हैं या गर्म मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो बस अच्छे से मिला लेंगे तेल, तड़का जब हमारा तेल छोड़ दे, सेपरेट हो जाए, मतलब अच्छे से जब ये टमाटर प्याज भुन जाए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस स्टेज तक तेल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और टमाटर सॉफ्ट हो गया। तो इस टाइम पर पनीर को मैंने कद्दूकस करके आज ऐड किया है। वैसे मैं वैसे हल्का हल्का हाथों से उसे मैश कर देती हूँ, पर आज मैंने कद्दूकस कर लिया, मम्मी खड़े थे तो मम्मी ने साथ में कर लिया। बस अच्छे से मिलाएंगे और इसमें हरा धनिया ज़रूर से ऐड करें, मेरे पास अभी नहीं था। तो देखिए मम्मी के साथ बातें करते करते रेसिपी भी बन गई, आपके साथ भी शेयर कर दी और हमारी ये तैयार है और ये झटपट बन जाती है पनीर की रेसिपी। तो इसे अच्छे से मिलाएंगे और थोड़ी देरी से उबाल आने देंगे, मतलब इसे भूनने देंगे अच्छे से। तो यहाँ पर मम्मी और मैं साथ साथ बात भी कर रहे हैं, काम भी हो रहा है। तो एक कमेंट रिसीव हुआ था, एक्चुअली वो सिस्टर को रिसीव हुआ था कि आपकी वीडियो में मायके, आपकी सिस्टर की वीडियो में मायके वाले ज़्यादा दिखते हैं, ससुराल वाले नहीं। तो देखिए ऐसा नहीं है, आप लोग पहले वीडियो को देखा करें, समझा करें, उसके बाद कमेंट किया करें। ससुराल वाले भी मेरी वीडियो में आते हैं, मेरे देवर देवरानी नहीं आते हैं। देखिए मैं ज़बरदस्ती किसी को नहीं कर सकती हूँ, मेरे सास ससुर वीडियोज़ में आ जाते हैं,
हैं, बट वो मेरे छोटे देवर के साथ रहते हैं, तो अब मैं वहाँ जाकर उन्हें शूट नहीं कर सकती, बिना मतलब के मैं किसी को अपनी वीडियो में नहीं ले सकती। जब मेरे फैमिली में कोई फंक्शन होता है या मेरे घर में कुछ होता है तो आपको मेरे सास ससुर देखने को मिल जाते हैं। अब जब वो मेरे साथ रहते होते तो आपको हर वीडियो में दिखते, अब वो छोटे भाई के साथ रहते हैं, और सबको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे वीडियो बनाना पसंद है तो सबको पसंद होगा। अगर सामने से कोई वीडियो में नहीं आना चाहता, हम उसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, और यही कारण है और कोई कारण नहीं है। अगर सामने से कोई बोलता है कि हाँ हमें वीडियो में आना अच्छा लगता है तो हम उसको ज़रूर लेते हैं, मैं उसको ज़रूर लेती हूँ। तो बस यही बात थी, तो बस और कुछ नहीं है। बाकी सास ससुर जब भी कोई फैमिली फंक्शन होता है या मेरे घर पे आते हैं तो आपको दिख जाते हैं। तो देखिए खाना भी हो गया, बना लिया, और उसके बाद पहले मैंने इन्हीं दो को दे दिया था, मम्मी और भाई को, क्योंकि हम लोगों को अभी भूख नहीं थी, तो इन लोगों को मैंने खाना दे दिया था। और इतनी सारी हम लोगों ने आज बातें की, बहुत सारी, एक तो मेरे काम बहुत ज़्यादा होते हैं भाई से, जैसे फ़ोन के काम बहुत सारे होते हैं, फ़ोन में कोई दिक्कत हो तो जब ये आता है तभी वो ठीक होते हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने भी खाना खा लिया था, हस्बैंड आपने देखा आ चुके हैं, तो इन लोगों को भी, ये तो ये बोल रहे थे अभी कि हम खाना खाते हैं और निकल जाते हैं, पर फिर मैंने मना कर दिया क्योंकि लावण्या की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, और लावण्या उदास सी हो गई थी कि नानी प्लीज़ मत जाओ, आप हमारे यहाँ कभी नहीं रुकते। और मेरे पेरेंट्स की बात है तो वो जब आते जाते रहते हैं, मेरा घर रास्ते में पड़ता है तो वो मेरे से मिल लेते हैं आके, बच्चों की खातिर वो आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। और मम्मी वगैरह जो हैं वो मतलब आ जाते हैं वीडियो में, उनको ऐसा नहीं रहता, सासू माँ भी आ जाती है जब होती हैं यहाँ पर, तो हर वीडियो में वो इसीलिए नहीं दिखते हैं क्योंकि वो मेरे साथ नहीं रहते हैं। तो बस यही बात थी। तो चलिए पहले इन लोगों को खाना दे देते हैं, उसके बाद हम लोग खाते हैं, तो उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। कल रात को हम लोग व्लॉग जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, मैं भूल ही गई थी, हम लोग बातों में लग गए और फिर मैं भूल गई, और काफ़ी लेट सोए, सोते सोते तो हमें 1 बज गया था, पर सुबह फिर उठे, उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ बनाया, और अब मम्मी वगैरह तैयार हो गए। ये रहे मम्मी, हेलो कर दो पहले, हाँ डाल दिया। और अभी परसों ही सुजल आया था, और अब लावण्या चल दी शिमला, मम्मी ने बोला चलो शिमला, तो वो चल पड़ी क्योंकि स्कूल वगैरह अभी बंद ही है, क्लासेस जो है वो अभी, क्लासेस ऑनलाइन की तो बता रहे हैं कि शायद 6 से होगी, उसके बाद 15 तक स्कूल बंद बता रहे हैं, कि ऑफलाइन भी शायद पता नहीं, कोई पता नहीं है। तो लावण्या जा रही है, फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, वो नानी के पास रुकी भी नहीं थी काफ़ी दिन। मम्मी उसका पैकेट कहाँ है, ले गई रोहित ले गया, तो बस ये लोग अब निकल रहे हैं। ये रही लावण्या, हेलो हेलो लावण्या, बाय लावण्या, बाय, जा रहे हो आप? आहा, क्यों जा रहे हो आप मामा को छोड़ के? शिमला तो जाना पड़ेगा। क्यों? ऐसे ही, ये ना कब से बोल रही है मैं नानी के पास नहीं ठहरी, तो मैं जा रही हूँ अब मैं नानी के पास, मुझे जाने दो कुछ दिन, फिर मम्मी आ जाएंगे 1 हफ्ते में वापस, दादी उन्हीं के मायके में है वहाँ पर, उनकी बहन बहुत ज़्यादा बीमार है तो वो वहीं रह रहे हैं, दादी ने शिमला जाने से मना कर दी, तो बस ये हो गई है तैयार। आज संडे है, आज जा रहे हैं, नेक्स्ट संडे फिर पापा के साथ वापस आ जाएंगे, और अब मैं जाती हूँ इनको छोड़ने गाड़ी तक, यहाँ मैं वही इस बैग में क्या डाल दिया इसने, ये ले जाना इसने, ये निकाला जो था, क्या करना है इसने, इसका पूछो, ये बैग साथ ही रखती है अपना, थैंक यू। तबीयत भी ठीक नहीं है लावण्या की कुछ, ये होली वाले दिन भीग गई थी ना, होली वाले दिन भीग गई थी तो उसके बाद इसकी तबीयत कुछ खराब सी हो गई थी, तो ये देखो बॉटल छोड़ दी यहीं पे, ना लाए कौन है, क्या हुआ बेटा, क्यों हो गई साइड? लावण्या जो है ना वो मास्क भूल गई, अब जाती हूँ फटाफट क्योंकि मास्क बहुत ज़रूरी है, और बच्चों के फिर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, उसके साथ दे देती हूँ उसके मास्क। बाय लावण्या,
शरारत नहीं करनी है ना। इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग का भी एंड। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे न्यू अच्छे से व्लॉग।